बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक खरगोश आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल का नाम सुंदरवन था, जो अपनी हरियाली, उद्यानों और वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध था। शेर जंगल का राजा और उसका रूप भयंकर था और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। वह जंगल का सबसे प्रबल और साहसी जानवर था। दूसरी ओर खरगोश नामक छोटा सा जानवर था, जिसका रंग सफेद था और उसकी बुद्धिमत्ता जंगल में प्रसिद्ध थी। शेर और खरगोश की दोस्ती जंगल के सभी जीवों के बीच मशहूर थी। वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते थे। शेर की ताकत और खरगोश की चतुराई ने इन्हें जंगल के नेतृत्व में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एक दिन जंगल में एक बड़ा मुश्किल समय आया। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जंगल के सभी जानवर चिंतित थे, क्योंकि उनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो गया था। शेर और खरगोश को यह सब देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि कैसे इस समस्या का हल किया जा सकता है। इस पर उन्होंने एक दूसरे से बात की और मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। खरगोश ने कहा, हमें एक ऐसा समाधान निकालना होगा जिससे हम सभी जानवरों को खाना मिल सके। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो खरगोश, हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। इसके बाद शेर और खरगोश ने एक समझौते पर निर्णय लिया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को मिलकर काम करने का निर्णय लिया और एक साथ मिलकर खाना ढूंढने का प्रयास किया। पहले दिन वे लोग मिलकर बहुत मेहनत करते रहे। वे बाग बगीचे, नदियां और जंगल के अन्य हिस्सों में जाकर खाना ढूंढने लगे। शेर ने अपनी शक्तिशाली पैरों का उपयोग करते हुए बड़े बड़े पेड़ों की ऊंचाइयों तक चढ़कर खोज की, जबकि खरगोश ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे गुफाओं में जाकर खाना खोजा। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर खाना एकजुट करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। खाने की बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन्हें कैसे बांटना है, यह सवाल उनके सामने था। शेर ने फिर एक बार खरगोश से पूछा, खरगोश, हमें यह सोचना होगा कि हम इस भंडार को सब जानवरों के बीच में कैसे बांटें। खरगोश ने उत्सुकता से कहा, हां शेर, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे सभी को बराबर खाना मिले। फिर शेर और खरगोश ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर जानवर को उसकी आवश्यकता के हिसाब से खाना मिलेगा। छोटे जानवरों को छोटा और ताकतवर जानवरों को ज्यादा खाना मिलेगा। इस प्रकार शेर और खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों के बीच में न्यायपूर्ण रूप से खाना बांटा। सभी जानवर खुश थे, क्योंकि उन्हें अब अपनी जरूरतों के हिसाब से सही मात्रा में खाना मिल रहा था। इस समस्या का समाधान करने में शेर और खरगोश की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्तिशाली ताकत ने जंगल के सभी जीवों को एक साथ मिलकर समस्या का सामना करने में मदद की। इसके बाद शेर और खरगोश को जंगल के नेतृत्व में बहुत उच्च स्थान पर स्थान मिला। उनकी मित्रता जंगल के सभी वन्य जीवों के लिए एक उदाहरण बन गया था। जंगल के नेता शेर ने खरगोश को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई और मेरी शक्ति ने हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। तुम्हारी मदद से हमने जंगल की समस्या का समाधान किया है और सभी को संगीत की तरह हमेशा मिलकर रहने का तरीका सिखा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सूझबूझ और सही निर्णय लेने से हर मुसीबत को अपनी चतुराई और ताकत से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।